अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम आपके साथ चने की दाल की टिक्कियां जो है उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। ये वाला एक कप हमने चने की दाल ली है, इसको हमने बॉयल किया है हाफ टी स्पून नमक डाल के। जैसा कि ये दाल आपके सामने है, दाल हमें जो है वो ज़्यादा गली भी नहीं चाहिए बल्कि इसी तरह की खड़ी खड़ी चाहिए। ये आप देख सकते हैं इस तरह की दाल से आपका जो टिक्कियों का मिक्सचर है वो अच्छा बनेगा। अब हम चलते हैं इसको ग्राइंड करने के लिए। ये हम दाल इसके अंदर डाल रहे हैं। दाल जो है वो अच्छी तरह ग्राइंड हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा बाउल, जैसा कि है। अब हम दाल इसके अंदर निकाल लेंगे। अब व्यूअर्स, दाल हमारी जो है वो ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये आप देख सकते हैं, एक अदर टमाटर, एक अदर प्याज, सब्ज़ मिर्च पिसी हुई, ये थोड़ा सा हमने सब्ज़ प्याज लिया है। अब हम इसको शामिल कर देंगे दाल के अंदर। अब हम जाते हैं स्पाइस की तरफ। काली मिर्च, नमक, सूखा धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा पिसा हुआ, पेपरिका पाउडर और ये है सुरख मिर्च। अब ये सारे स्पाइस जो हैं हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून, ये भी हमने मिक्स कर दिया, इसके अंदर शामिल कर दिया। और अब हम इसके साथ ही एक अंडा शामिल करेंगे, आप देख सकते हैं। अब हम इसको हैंड के साथ ही, हाथ के साथ ही मिक्स कर लेंगे। नमक हमने इसलिए इसमें कम डाला है क्योंकि हम इसमें पहले भी नमक शामिल कर चुके हैं। ये देखें, मिक्सचर जो है वो इस तरह का तैयार होना चाहिए। ये देखें, आप देख सकते हैं मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब ये हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है, अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे और आपको बताएंगे कि हमने इसको फ्राई किस तरह करना है। चलें हम अब टिक्कियाँ बनाने की तरफ जाते हैं।
ये एक प्लेट मैंने ली है, इसमें अब हम टिक्कियाँ बना के रखेंगे। प्लेट में हम पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, हल्का सा ऑयल लगाना है और इसको इस तरह ब्रश के साथ आपने पूरी प्लेट को ऑयल कर लेना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम टिक्कियाँ बनाते हैं। मैं टिक्कियों का जो साइज़ है वो ये वाला बनाती हूँ। अगर आपको इससे ज़रा बड़ा साइज़ पसंद हो तो आप बड़ा साइज़ भी बना सकते हैं। कोशिश करें कि आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो एक ही साइज़ की बने। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं, ये देखें। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम चलिए अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। अब हम ये हमने लिए फ्राई करने के लिए, अब हम इसमें पहले हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं। ऑन हो गया, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, एक प्लेट लेंगे और एक अंडा लेंगे। ये हमने एक अंडा लिया, इसको हम अच्छी तरह पानी देते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा नमक आपने शामिल करना है ताकि इसमें हल्का सा टेस्ट जो है वो आए। तो हमने शामिल कर लिया, अब हमारा ऑयल तकरीबन गर्म होने वाला है। जैसे ऑयल गर्म होगा हम इसकी जो हीट है वो थोड़ी कम कर देंगे। आप देख सकते ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, अब हम इसकी थोड़ी सी हीट जो है वो कम कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें टिक्कियाँ डालते हैं। ये देखें, आपने इस तरह टिक्की उठानी है।
इस तरह अंडा लगा के आपने इसमें रख देना। इसी तरह आपने दूसरी टिक्की लेनी है, ये देखें, और आप इसको भी इस तरह कर देंगे। आप देख सकते हैं ये देखिए, ये देखिए, अब हम वेट करेंगे कि इसकी जो एक साइड है वो ब्राउन हो जाए, फिर हम दूसरी साइड करेंगे। आप देख सकते हैं टिक्कियां फ्राई हो रही हैं, अभी हमने इसकी साइड चेंज नहीं की। ये देखें इनका कलर जो साइड है वो पहले लाइट सा हो गया है, थोड़ा डार्क। अब हम इनकी जो है वो चेंज कर रहे हैं साइड, ये देखें। ये देख सकते हैं आप, आप देख सकते हैं कि जो टिक्कियों का कलर है वो ब्राउन हो रहा है। और हमें सिर्फ कलर ब्राउन नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी ये क्रिस्पी भी होनी चाहिए। ये बहुत मज़े की होती हैं क्रिस्पी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी क्रिस्पी हो। आप देख सकते हैं इनका कलर, जैसा कि आप देख सकते हैं टिक्कियाँ हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं, ठीक है। चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। जी व्यूवर्स, हमारी टिक्कियाँ जो हैं चने की दाल की वो तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर भी कितना अच्छा है और ये कितनी अच्छी लग रही हैं। अगर आपको भी ये अच्छी लगें तो आप लाइक करें और कमेंट्स दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस आने वाली मिलती रहें। शुक्रिया आप बहुत बहुत आप लोगों का। आप लोग हम खुद भी देखें और दूसरों से भी शेयर करें हमारी वीडियो।